नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जय आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने हम जी हमारा जो है यूट्यूब का अगर वो कोई भी भूल जाते हैं या तो हमारा डिलीट हो जाता है तो उसको हम वापस रिकवर कैसे कर सकते हो तो। साथ में उसमें तो हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखा है तो स्टेप वेरीफिकेशन ऑन करने के बाद आपको पता है कि उस पर एक कैप्चा मांगा जाता है मतलब कि कुछ परमिशन मांगा जाता है जो आपके सेकेंड अगर फोन में आपका जी मेल लॉगिन है तो वहाँ परमिशन दे के आप मतलब कि पासवर्ड डाल के ओपन कर सकते हो अगर आपका सेकेंड फ़ोन में भी आपका मतलब जी मेल लॉगिन नहीं है तो आप कैसे उसको रिकवर करना है आपको उसी के बारे में बताऊंगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से से जरूर देखना तो मैं प्ले स्टोर तो मैं अभी फिलहाल वो जी मेल लाई हूँ जो मेरा जी डिलीट हो गया मतलब कि कहा मैं मानना है कि वो जीमेल मेरा जैसे डिलीट हुआ तो उस डीमेल में आपको पहले सेट करके सब कुछ रखना है कैसे रखना है तो मैंने जो गूगल अकाउंट में जाना है जो जीमेल आपका पर्सनल प्रस्न, है जिससे आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो हो तो उस जीमेल को इधर ले आना है फिर इधर आपको जाना है सिक्योरिटी में सिक्योरिटी में आने के बाद नीचे आपको देखते हैं हमारा वेरिफिकेशन कुछ ऑन नहीं है अगर ऑन रहता तो आपका अगर ऑन है अगर आप दूसरे फोन मतलब कि फोन में लॉगिन कर रहे हो तो आपको एक परमिशन मांगा जाएगा परमिशन जो आपको अलाउ करना है दूसरे फ़ोन से मगर आपके दूसरे फोन में जीमेल लॉग इन नहीं है तो आप कैसे अलाउ कर सकते हो तो उसके लिए मैं बताऊँगा तो आपको कहना है कि इसका एक अगर वहाँ से लॉग ऐसे लॉग करना है पासवर्ड डाल के अगर लॉग नहीं हो रहा है सिक्योरिटी कोड होता है तो मैं दिखाता तो हूँ ये कुछ इस प्रकार से एक सिक्योरिटी कोड होता है इसको आप लोग बहुत मतलब क्या करना है कि आपको पहले स्क्रीनशॉट लेके रखना है मतलब आपका जीमेल डिलीट होने से पहले ही आपको आपका जो जीमेल है उसको डिलीट होने से पहले आपको ये कोड स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो ताकि वो आपके बाद में भी काम आ सकता है आपने गैलरी में जाके इसको इस कोड को वहाँ पे कोड डालने के लिए ऑप्शन आता है उस कोड को आप मतलब इस कोड को डाल के आप ओपन कर सकते हो अगर आपने कोड स्क्रीनशॉट नहीं किया तो आपको दूसरा करना सेटिंग्स किया है मैं दिखाता हूं बैक करके फोन तो लग फिर इधर आपको नीचे आना है इधर एक रिकवरी फोन नंबर आपको डाल देना है जो इस फोन नंबर ओ टी आएगा मगर ओ से भी काम नहीं चलता है क्योंकि मैंने भी देखा मेरा में मेरा जी जो ऑफिशियल जो मेरा जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो इस चैनल का जी डिलीट हो चुका था और इसमें मेरा फोन नंबर ऐड था लेकिन जी मेल रिकवरी एड नहीं था तो मैंने इसको बाद में ऐड कर लिया तो मैंने रिकवर ईमेल तो मतलब फ़ोन नंबर था ऐड मगर ओ आने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था तो आपको इसमें ईमेल जरूर ऐड करना है ताकि ईमेल पर जो ओ आता है उससे तुरंत ही रिकवर हो जाता है तो आपको इधर मिलेगा रिकवरी ई तो इस पर क्लिक कर, करते ही इधर पे आपको क्या करना है प्ले पासवर्ड डालना है कौन सा पासवर्ड डालना है जो आपका जी है ओरिजिनल जिससे आप यूट्यूब चैनल चलाते हो उस जी को डालने के बाद मतलब पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करने के बाद वहाँ पर एक रिकवरी ई मेल मांगे मतलब कि रिकवरी ई मेल के लिए जगह होगा जहाँ पर आप कोई दूसरा मेल जैसे आपका टू स्टेप वेरीफिकेशन या नहीं है आप दूसरे फ़ोन में उस फ़ोन का जीमेल आपको इस फ़ोन में डालना है ताकि जब भी आप कभी होकर इस जीमेल को भूल जाती हो